नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से इस लोकसभा सीट पर एक्टिव है। उनको इस जो सीट है पौड़ी गढ़वाल सीट, इस पर टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन अब अचानक उत्तराखंड की राजनीति में एक चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा यह शुरू हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देगी भी या नहीं देगी, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस चर्चा के पीछे एक बड़ी वजह है। अभी बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रबंधन समितियों का गठन किया है। इन समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नियुक्त किया गया है। अमूमन यह माना जाता है कि जिन लोगों को चुनाव के प्रबंधन में लगाया जाता है उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता, राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। लेकिन बीजेपी क्या करती है यह तो किसी को अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। बीजेपी तो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है। अभी 26 फरवरी यानी कल बीजेपी की उत्तराखंड स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। इस बैठक में उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा और यह पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा जाएगा और इस पैनल में से ही केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड यह तय करेगा कि किस लोकसभा सीट पर किसको टिकट दिया जाना है। यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो समितियां गठित की गई है उनमें से घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बना दिया गया है। इसीलिए इस चर्चा को बल मिला है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव लड़ाएगी लोकसभा का, वो भी उस स्थिति में जबकि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के वादों, घोषणाओं और फैसलों को बहुत अधिक महत्व मौजूदा बीजेपी की सरकार देती नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था उसके बाद से अब तक जो मौजूदा धामी सरकार है उसके अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणाओं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए थे उनको अगर देखें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में जो भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए थे उनमें से अधिकतर को बीजेपी की मौजूदा सरकार बदल चुकी है। इसी कारण भी यह माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट की दौड़ से दूर किया जा रहा है क्या मौजूदा समय में। यह तो पहले ही माना जा रहा था कि विजय बहुगुणा और मदन कौशिक टिकट की रेस से बाहर है। ये लोग पहले ही टिकट की रेस से बाहर दिख रहे थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इन्हीं लोगों के साथ खड़ा कर देने से इन बातों को बल मिल रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी शायद ही लड़ाए। हालांकि वो टिकट के प्रबल दावेदार है, यह एक फैक्ट है। 9 मार्च 2021 वह तारीख है जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। तब से लेकर आज तक त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने उत्तराखंड में कोई महत्वपूर्ण पद या काम दिया नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया है। बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर लीडर है, इसके बाद भी ऐसा हुआ नहीं है। और फिर अनिल बलूनी का नाम भी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए सामने आ रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसी सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। यह एक सच है, उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में मार्च 2021 के बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जगह नहीं बन पा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से एकदम पहले एक चिट्ठी वायरल हुई थी। उस वक्त पता चला था कि यह चिट्ठी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। चिट्ठी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा था कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को युवा नेतृत्वकर्ता मिला है, राज्य में अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और ऐसी परिस्थिति में मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2022 में विधानसभा में नहीं उतारा गया। वैसे उसी वक्त यह भी सवाल उठा था कि चिट्ठी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद लिखी है या फिर उनको यह चिट्ठी लिखने के लिए तैयार किया गया है। यह सवाल बहुत दिनों तक उत्तराखंड की राजनीति में तैरता रहा, दौड़ता रहा और हर कोई अपने अपने तरीके से इसका उत्तर खोजता रहा। वैसे तो यह बीजेपी के अंदरूनी मसले है जिन पर कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का नेता कैमरे के सामने बहुत कुछ बोलने को तैयार होता नहीं है। यह अलग बात है कि कैमरे के पीछे बहुत सी बातें
वो करते रहते, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव से एन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा को व्यक्त करती हुई चिट्ठी सामने आई थी, अब 2024 के लोकसभा चुनाव से एन पहले उनको घोषणा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है और यह सूचना सामने आ गई है। इस कारण भी कुछ चर्चाओं को बल मिल रहा है। वैसे मैं फिर कहता हूँ, बीजेपी में कब क्या हो जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव से एन पहले तीरथ सिंह रावत को हिमाचल का प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद भी पौड़ी से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया गया था। इसीलिए बीजेपी में कब क्या हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाग्य तीरथ सिंह रावत की तरह इतना प्रबल होगा इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है, यह महसूस किया जा सकता है। सर्वे में भी यह बात सामने आ रही है। अभी इसी माह उत्तराखंड को लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बीजेपी उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर एक बार फिर से जीतती हुई दिख रही है बहुत मजबूती के साथ। इस सर्वे में बीजेपी को उत्तराखंड में 58.6% वोट मिलते हुए दिख रहे, जबकि कांग्रेस को 32.1% वोट मिलते हुए दिख रहे। यानी बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले करीब 2 गुना मत प्रतिशत हासिल करती हुई उत्तराखंड में दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक। अब देखना होगा बीजेपी पांचों सीटों को उत्तराखंड में एक बार फिर तीसरी बार जीतती है या नहीं जीतती है, और इन पांचों सीटों में से किसी एक सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका लड़ने का मिलता है या नहीं मिलता है, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।